नमस्कार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोअल्केन और हेलोएरिन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम कुछ व्हाट हैपेंस व्हेन के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट ए व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एल्कोलिक KOH। दिस इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विथ एल्कोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन आफ्टर बीटा एलिमिनेशन वन ब्यूटीन इज ऑब्टेन। सेकेंड व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। दिस इज ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम देन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ऑब्टेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। When chlorobenzene treated with sodium hydroxide and further treated with acid, then phenol is obtained. This is phenol. Next, ethyl chloride is treated with aqueous KOH. This is ethyl chloride, aqueous KOH. Then Cl group is replaced by OH group and ethanol is obtained. Next, methyl bromide is treated with sodium in the presence of dry ether. This is methyl bromide, sodium in presence of dry ether, then ethane is obtained and this reaction is known as Wood's reaction. Last, methyl chloride is treated with potassium cyanide. Then Cl is replaced by CN group, methyl cyanide is obtained. तो ये what happens when आप तभी हल कर सकते हैं, तभी सॉल्व कर सकते हैं जबकि आपकी स्टडी हो, उस चैप्टर की सारी रिएक्शन पता हो, तब हम जो है इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।